हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि सेब के सिरके यानी एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फायदे हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को सही बनाए रखता है, इनडाइजेशन यानी अपच को ठीक करने में भी सहायता करती है, साथ ही कैंसर और हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम करती है। पर यह जानना बहुत ही मुश्किल है कि कितनी मात्रा एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए सही होगा, इसलिए थोड़ी मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको इससे कोई एलर्जी है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर वन, ब्लड शुगर के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करने से पहले एप्पल साइडर विनेगर लेने से ब्लड शुगर में कमी आ जाती है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। 20 ml एप्पल साइडर विनेगर खाना खाने से पहले लेना चाहिए। आप इसे पानी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर टू, डाइजेशन के लिए कभी कभी हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तब एप्पल साइडर विनेगर आपकी सहायता कर सकती है। 15 से 30 ml एप्पल साइडर विनेगर प्रोटीन से भरपूर भोजन करने से पहले लेना चाहिए, जिससे डाइजेशन में कोई असुविधा नहीं होती है। नंबर थ्री, वजन कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर मोटापे को कम करने में सहायता करती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिससे वजन कम होता है, और इसमें एसिटिक एसिड भी पाया जाता है जो भूख को कम करने में भी सहायता करती है। यदि आप भी मोटापे से परेशान है तो रोज रात को 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। आप चाहें तो स्वाद के लिए शहद भी मिला सकते हैं। नंबर फोर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर में पेक्टिन पाया जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायता करती है। कई लोगों को पेक्टिन से एलर्जी भी होती है। यदि आपको एप्पल साइडर विनेगर से एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें। नंबर फाइव, सूजन को कम करने के लिए यदि धूप में जलने के कारण सूजन हो रही है तो सेब का सिरका आपको राहत दे सकती है। इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिलाएं और उस पानी से नहा लें, इससे सूजन कम हो सकती है। एप्पल साइडर विनेगर पैरों में सूजन को भी कम करने में सहायता करती है। इसके लिए तौलिए को गर्म पानी और एप्पल साइडर विनेगर के मिश्रण में भिगोकर दर्द वाली जगह पर लपेटकर कुछ देर रखें, इससे दर्द कम होती है। नंबर सिक्स, नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए मैनिक्योर करवाने से नाखून सुंदर रहते हैं, पर इसमें बहुत समय लगता है और सिर्फ 2-3 दिन में ही इसकी चमक खो जाती है। यदि मैनिक्योर करवाने से पहले नाखूनों पर एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदें डालकर सूखने दें तो नाखूनों की चमक लंबे समय तक बनी रहती है। नंबर सेवन, आफ्टर सेवर की तरह सेविंग करने के बाद त्वचा कट या छिल जाती है, इसलिए सेविंग के बाद आफ्टर सेविंग लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर सेविंग लोशन के स्थान पर एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुणों के कारण छिली कटी त्वचा ठीक हो जाती है, साथ ही यह त्वचा को नमी भी प्रदान करती है और बंद रोम छिद्रों को भी खोलती है। इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर को पानी के साथ मिलाकर रखा जा सकता है। नंबर एट, ईस्ट इन्फेक्शन के लिए एप्पल साइडर विनेगर ईस्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करने में सहायता करती है। प्रतिदिन 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से महिलाओं में ईस्ट इन्फेक्शन ठीक हो सकती है।
नंबर 9, मुहासों के लिए एप्पल साइडर विनेगर को चेहरे पर लगाने से मुहासे कम हो सकते हैं। यदि आपको मुहासे हो गए हैं तो एप्पल साइडर विनेगर के कुछ बूंदे रुई की सहायता से चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और दाग धब्बे भी कम हो जाएंगे। नंबर 10, जोड़ों में दर्द के लिए। यदि आपको जोड़ों में दर्द की समस्या है तो एप्पल साइडर विनेगर की थोड़ी मात्रा लेकर दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 टेबलस्पून नारियल तेल में मिलाकर रोज मालिश करने से कुछ ही दिनों में दर्द से राहत मिल सकती है। यदि गर्दन में दर्द हो तो थोड़ी मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर को 6 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और एक कपड़े को उसमें भिगोकर गर्दन पर लगाएं। ऐसा करने से दर्द से राहत मिल सकती है। एप्पल साइडर विनेगर के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इसके इस्तेमाल से मुंह की बदबू चली जाती है, दांत सफ़ेद होते हैं और यह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से भी रोकती है। तो ये है एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करने के कुछ आसान से उपाय। तो थोड़ी मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।